हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंस्टेंट नूडल्स की रेसिपी, और इसको रिसेंटली लॉन्च किया है सफोला ने। देखिए, सफोला मसाला नूडल्स नहीं, उडल्स, बिकॉज ये ओ टाइप की है और ये राउंड शेप में आते हैं और नो मैदा, यानी और ये पूरा 100% ओट्स से बनाया हुआ है। ओट्स ओडल्स यानी ओट्स नूडल्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ही प्रोसेस किया है। और तो आज आप लोगों के साथ इसकी मैं एक क्विक रिव्यू भी दूंगी और साथ में ही इसको बना के भी दिखाऊंगी कैसा लगता है, और इसकी टेस्ट वगैरह सभी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ये है सफोला की यम्मी मसाला ओडल्स मेड विथ होल ग्रेन ओट्स, ओनली ओट्स से बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को कुछ हेल्दी भी खाना है और चटपटा भी खाना है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। तो अभी क्विक रिव्यू देती हूँ। इधर कोई भी मैदा नहीं है और फाइव, जैसे मैगी 2 मिनट्स में बनते हैं, ये बनते हैं 5 मिनट्स में। पैकेट के अंदर 4 पैकेट है, यानी 4 पैकेट में डिवाइड किया हुआ है। आप लोग इसको खोलने के बाद 4 पैकेट इसके इनसाइड आप लोगों को मिलेंगे। अब आती हूँ इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट। देखिए, ये उडल्स जो सफोला की न्यूली लॉन्च किया हुआ उडल्स है उसके अंदर है, मेड विथ होल ग्रेन ओट्स एंड रियल वेजिटेबल्स है। नो मैदा, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स है, रिच इन प्रोटीन एंड हाई इन फाइबर है। ये देखिए आप लोग, और इधर लिखा हुआ है, देखिए ये यम्मी मसाला उडल्स है यूनिक रिंग शेप में, यानी जैसे नूडल हम लोगों की नूडल के शेप में होते हैं, ये नूडल नहीं है, ये ओडल से ओ शेप में यानी रिंग शेप में है। और इसमें ओट्स और कभी कभी सूजी भी रह सकते हैं और रियल वेजिटेबल्स है। देखिए इस पैकेट में नेट क्वांटिटी है 184 ग्राम, यानी 4 पैकेट है, 46 ग्राम की 4 पैकेट है, और 184 ग्राम में इसकी प्राइस है 80 रुपीज़ की। जो एक्सपायर डेट है, देखिए वो 9 मंथ तक रहते हैं एक्सपायर, 9 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं। और इधर है क्या क्या इंग्रेडिएंट है, सेमोलिना यानी सूजी, ओट्स फ्लेवर 39%, सेमोलिना 36%, एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, उसके बाद आयोडाइज सॉल्ट है, और स्पाइसेस में जो भी इंडियन स्पाइस है जैसे ओनियन, टर्मेरिक, क्यूमिन सभी है। देखिए आप लोग, और कभी कभी व्हीट ग्लूटेन और मिल्क सॉलिड भी रह सकते हैं। अभी आती हूँ, इधर लिखा हुआ है कैसे आप लोगों को इसको बनाना है, मैं आप लोगों को लाइव बना के दिखाऊंगी भी। फर्स्ट आप लोगों को दिखाती हूँ इधर क्या लिखा है। देखिए यहाँ 260 ml वाटर को पहले बॉइल ब्रिंग टू बॉइल, यानी बॉइल करना है वाटर को। उसके बाद इसमें रिंग और साथ में ही जो मसाला की सेसेट मिलते हैं वो साथ में ही इसको ऐड करना है, और उसके बाद स्टर ओकेजनली, बीच बीच में आप लोग हिला सकते हो, और 5 मिनट्स तक इसको कुक करना है। जैसे मैगी हम लोग 2 मिनट्स में करते हैं, इसको 5 मिनट्स तक कुक करना है, और इसके बाद बन जाते हैं आप लोगों की यम्मी सी ये ओडल्स रेसिपी जो सफोला ने लॉन्च किया है। और यहाँ एक बात है कि इसको पूरा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सूपी ओडल्स जैसे ही इसको रखना है, जैसे हम लोग सूपी नूडल्स खाते हैं, आप लोग थोड़ा इसमें वाटर रखना चाहिए, पूरा ड्राई नहीं करना है। बनाने के बाद इसमें आप लोग चॉप्ड कोरिएंडर, रेड चिलीज और ग्रेटेड चीज और एनी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को ऐसे ही बना के दिखाऊंगी और इसकी रियल टेस्ट के बारे में बताऊंगी। और साथ में ही अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है इसके बारे में तो आप लोग यहाँ इन लोगों की कस्टमर सर्विस है, इधर लिखा हुआ है, आप लोग उसमें भी चेक कर सकते हो। इसको खोल लेती हूँ। देखिए ऐसे मिलते हैं, ये ऐसे 4 पैकेट्स है इसके अंदर, और साथ में ही जो मसाला है वो भी एक्स्ट्रा दिया है, तो कोई भी खराब होने की बात ही नहीं। एक बार खोलने के बाद भी आप लोग ये अच्छे से इसको स्टोर कर सकते हो। देखिए ये है मसाला और साथ में ही ये है रिंग नूडल्स, आप लोगों को दिखाती हूँ एक काट के। ये ओट्स का ही है तो हेल्दी है, अदर इंस्टेंट नूडल्स से ये हेल्दी है। देखिए ये ओट्स से बनाया हुआ है तो पूरा व्हाइट कलर की नहीं है, थोड़ा ये
ब्राउन कलर की है, देखिए। अब मैं इसको बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, मैंने कढ़ाई ले लिया है और उसमें अभी एक पिकेट ही मैं बनाऊंगी, तो इसमें जाएंगे 250 ml वाटर और इसको फर्स्ट बॉईल आने तक, उबाल आने तक इसको रखना है। उसके बाद ही नूडल्स और जो इसकी मसाला मिक्स है उसको ऐड करना है। देखिए, वाटर बॉईल आ गई है। अब इसमें ऐड करूंगी जो नूडल्स थे, नूडल्स मतलब ओडल्स। ये देखिए, ओडल्स ऐड कर दिया है और अभी ऐड करना है जो मिक्स मसाला है, मसाला के मिक्स को ऐड करूंगे। और इसको 5 मिनट्स तक अभी कुक करना है और बीच बीच में इसको ऐसे हिलाते भी रहना है। और एक बात है, इसको पूरा सूखा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सूपी ही, पहले ही उस पैकेट में लिखा हुआ है कि थोड़ा सूपी ही अच्छा लगता है, सूपी कंसिस्टेंसी पूरा ड्राई अच्छा नहीं लगता है। तो इसको अभी 5 मिनट्स तक के लिए पकने देती हूँ। ये देखिए, बन रही है सूपी ओडल्स और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस और थोड़ा 1 मिनट के लिए इसको रख दूंगी और थोड़ा सूपी ही रखूंगी। देखिए, ये पक भी गई है और इसको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पक जाते हैं। ये देखिए, 5 मिनट्स हो गई है और मेरी सूपी ओडल्स तैयार हो गई है। देखिए, थोड़ा लिक्विड मैंने छोड़ दिया है, पूरा ड्राई नहीं किया है। अब इसको सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ और साथ में ही इसकी टेस्ट के बारे में भी आप लोगों को बोलती हूँ। ये देखिए, बनके तैयार हो गई है सफोला की ओडल्स की रेसिपी और थोड़ा लिक्विड छोड़ दिया है मैंने। अभी थोड़ा टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। टेस्ट मैगी से थोड़ा अलग है क्योंकि नूडल्स का कुछ अलग टेस्ट होता है और ये थोड़ा ओट्स से बनाया हुआ है, बट अच्छा है टेस्ट। और अगर आप लोग स्पाइसी फूड खाना चाहते हो, थोड़ा सतपता फूड खाने की आपको पसंद है और साथ में हेल्थ कॉन्शियस भी हो, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा एक ऑप्शन है और आप लोग इसको खा सकते हो। तो मुझे ओवरऑल प्राइस वाइज भी और ऐसे भी अच्छा ही लगा प्रोडक्ट, बट थोड़ा स्पाइसी है, किड्स के लिए थोड़ा स्पाइसी है। ऐसे तो मैगी भी स्पाइसी है, मैगी की जैसा ही है स्पाइसी है, बट अच्छा लगा टेस्ट। तो कैसा लगा मेरी ये सफोला की ओडल्स की रेसिपी की रिव्यू और साथ में ही डेमो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे भी मेरी ऐसे वीडियो, रेसिपीज और ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।